आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं, क्या है हमारा अगला प्रश्न। प्रश्न वही है लेकिन अब संख्या बदल गई, 17/8 17/8 इसके हमें दशमलव निरूपण देने हैं। यानी 17/8 क्या है, इसका दशमलव निरूपण 7 होता है, ये पहले प्रश्न में दिया है। जब इसका दशमलव निरूपण 7 होता है तो हमको वो दशमलव निरूपण लिखना है। चलिए तो हम क्या करने वाले हैं इस प्रश्न को हल करने में, हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं इस प्रश्न को हल करने में, इस प्रश्न को हल करने में हम सबसे पहले 17/8 जो 8 है, इस 8 के क्या करेंगे, हम गुणनखंड करेंगे। जब हम इस 8 के गुणनखंड करेंगे तब क्या स्थिति बनेगी आपकी, ये बनेगा 17/ क्या बनेगा, 17/ 8 के गुणनखंड कीजिए। जब आप 8 के गुणनखंड करेंगे, मैं करके बता देता हूं, 8 के गुणनखंड करेंगे तो आपको 8 के ऐसे गुणनखंड बनाने हैं, 2 से भाग लगा कितनी बार गया, 4 बार, फिर 2 से भाग लगा कितनी बार गया, 2 बार, फिर 2 से भाग लगा कितनी बार गया, 1 बार। तो ये गुणनखंड कितने बने, 2 × 2 × 3 मतलब सॉरी 2 × 2 × 2 ये कितनी बार बना आपका, 3 बार, ये हमारा गुणनखंड हो गया। अब जब हमारा गुणनखंड हमारे मिल गया तब इसको हम पावर्स के रूप में लिखते, तो कितना है ये 17/2 to the power 3। अब हमें क्या करना है बताइए बाप, हमें 2 to the power 3 के साथ कौन चाहिए, बोलिए 2 to the power 3 है, 2 की घात 3 है, कौन चाहिए आपको, आपको रूप कैसा चाहिए, आपको चाहिए 2 to the power n × 5 to the power n चाहिए। तो जो 2 की घात है वही 5 की चाहिए, 5 भी चाहिए, मतलब आपको 2 की घात 3 यहां दे रखा है तो आपको क्या चाहिए, 5 की घात 3 चाहिए। अब 5 की घात 3 चाहिए तो कैसे आएगी, 5 की घात 3 का गुणा भी कर देंगे और 5 की घात 3 का भाग भी लगा देंगे। ठीक है, तो हम यहां पर क्या लिखते हैं, यहां पर 17/2 to the power 3 के हर को 2 to the power n × 5 to the power n के रूप में लिखने पर, अब बताइए इसको इस रूप में कैसे लिखा जाएगा, कैसे लिखा जाएगा इसको इसके रूप में, इसको इसके रूप में कैसे लिखा जाएगा, तो ये आएगा आपका 17/2 to the power 3 है ना, इसमें 2 to the power 3 के साथ कौन चाहिए आपको, बताइए कितना चाहिए 2 to the power 3 के साथ, अभी मैंने बताया 2 to the power 3 के साथ कितना चाहिए, 5 to the power 3 चाहिए। तो 5 to the power 3 का हम क्या करेंगे, इसमें गुणा भी कर देंगे और 5 to the power 3 का हम इसमें भाग भी लगा देंगे। अब सॉल्व करिए इसको, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो आया 17 और 5 to the power 3 इन्हें 5 का 5 में 3 बार गुणा, तो कितना आएगा 5 5 25, 5 में 5 का गुणा किया तो 25 आया, इस 25 में फिर 5 का गुणा करिए कितना आएगा 125 यानी कि 125, तो ये आ गया आपका 125 डिवाइडेड बाय, ये 2 की घात 3 है और ये 5 की घात 3 है, तो हम इसको कितना लिखेंगे 2 to the power 3 × 5 to the power 3। अब अगले स्टेप में हमें क्या करना है बताइए, अभी हमने सवाल में सॉल्व किया, अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, इस 17 का 125 में गुणा कर देंगे, करिए गुणा, ये आ रहा है आपका 2125, कितना आ रहा है 2125, और जब नीचे का हम सॉल्यूशन लेने जाएंगे तो ये बनेगा 2 × 5 और पूरे की पावर कितनी आ जाएगी अब 3। क्यों आ गई इसकी पावर 3 बताइए, क्यों आई इसकी पावर 3, क्योंकि 2 की पावर भी 3 है और 5 की पावर भी 3 है, हमने पावर को कॉमन ले लिया। अब यहां पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या पोजीशन हमारी बन रही है, हमारी बन रही है 2125 डिवाइडेड बाय 10 to the power कितना आ रहा है, बोलिए कितना आ रहा है 10 to the power 3। जब 10 to the power 3 आ रहा मतलब 10 to the power 3 का मान कितना होता है 1000, तो ये आया 2125 डिवाइडेड बाय 1000, कितना आ गया 1000 आ गया। अब बताइए इस 1000 की 3 जीरो आपको हटानी है,
जब 1000 की 3 जीरो हटानी है तो यहां से 3 अंक अपन गिन लेंगे और 3 अंक के बाद हम क्या कर लेंगे, यहां पर 3 अंक के पहले डेसिमल लगा देंगे तो ये बनेगा 2125 को हम लिखेंगे 2.125 और 2.125 जो है वो क्या हो गया आपका 17/8 का दशमलव निरूपण हो गया। ये शांत है, ये क्या है शांत है। तो देखो इसमें हमने क्या किया, हमारे पास 2 तो था लेकिन 5 नहीं था, तो हमने क्या किया 5 की जितनी घात हमें चाहिए उसका गुणा भी कर दिया, इसका भाग भी लगा दिया। अब घात कितनी चाहिए ये कौन तय कर रहा है, तो घात कितनी चाहिए वो तय कर रहा है ये गुणनखंड। यहां घात कितनी है 3 है तो हमको 3 चाहिए, यहां जो घात होगी वो घात हम लेकर आएंगे। ओके, तो ये आपका एक पार्ट और हो गया इस क्वेश्चन नंबर 2 का। बताइए आ गया समझ में, बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है, इस लॉजिक को दिमाग में रखेंगे बहुत अच्छी तरह से आप प्रश्नों को हल कर लेंगे। इसको करिए आप, हम अगले सवाल के साथ फिर मिलते हैं।